तो ये है यार स्प्रिंग रोल। अब आपने स्प्रिंग रोल कभी ना कभी तो खाया होगा, ऐसा कुछ होता है स्प्रिंग रोल, ये रहा। अब ये यहाँ पे ये देखो, मैं अगर इसको प्लेट में करूँगा तो आपको बढ़िया से दिखाई देगा, ऐसा होता है स्प्रिंग रोल, बहुत करारा होता है। इधर से माइक के पास दिखाओ ना, देख लो आवाज़ आ रही है इसकी, करारेपन की। तो स्प्रिंग रोल एकदम करारा होता है, जब हम इसको पैक करके लाते हैं अगर ऐसे बंद कर देना तो ये सॉफ्ट हो जाएगा। बट और भी ज़्यादा करारा करने के लिए हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। घर पे बनाने के लिए मैं लेके आया पैकेट। अब मैं इसका प्राइस बता दूँ, ये जो है ना स्प्रिंग रोल चाइनीज ठेले से हम लेके आए, 50 रुपये का हमें मिल गया। अब स्प्रिंग रोल ये देखो, एक पैकेट ये वाला, ये क्या रेडी टू मेक, रेडी टू ईट वाला, बस इसको क्या करना रहेगा, इसको शायद से तलना होगा बस एक बार। ये देखो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हैं कि डीप फ्राई करो, बस इससे निकालो सीधा सीधा फ्राई कर दो। ये देखो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। और अगर मैं आपको इसका प्राइस बता दूँ तो भाई इसका प्राइस है 295। ये 300 रुपये का बॉक्स है, ये जो ना गोल्ड का, ये 300 रुपये का, ये 50 रुपये का, तो प्राइस में तो देख रहे हो। और जो ये है, ये 2 दिन में ज़्यादा ज़्यादा सुबह लाओ कल तक खा लिया तो ठीक है, वरना खट्टा हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। और इसकी जो एक्सपायरी है भाई, इसकी एक्सपायरी 1.5 साल की है, ये देख रहे हो 1.5 साल तक ये रखे रखो ना फ्रीजर में, ये ख़राब नहीं होगा। और जैसा ये तो बहुत महंगा आ गया, ये कितने का आ गया भाई, 295, 300 रुपये का लगभग। और एक ये है हमारे पास, ये है 119 रुपये का, ये देखो ये 119 रुपये का, और ये भी बहुत लंबे टाइम तक चलने वाला है, इसकी भी काफ़ी लंबी एक्सपायरी डेट है। अब ये इतने महंगे महंगे, ये 120 का, ये 300 रुपये का, और ये 50 रुपये का जो चाइनीज चिल्ली से मिला। अब इनका करेंगे टेस्ट कंपैरिजन, तो पहले मैं इसे प्लेट में कर लेता हूँ। और इसके साथ पता क्या है, शेजवान चटनी भी आई है। ये देखो जो चाइनीज चिल्ली पे चिली सॉस मिलती है ना, जिसमें बहुत मज़ा आता है, मतलब हम चाइनीज खाना, ओह नैपकिन भी दिया है, ये देख रहे हो भाई, ये रहा नैपकिन भी आया इसके साथ, ये रहा तो नैपकिन भी आया है, और ये रहा चिली सॉस जो आई है। तो ये चीज़ बहुत सही लगती है ना खाने के बाद, ये जब बच जाती है ना तो इसे रोटी से खाने में बहुत मज़ा आता है। आप बताओ आपने कभी खाई है ये जो चिली सॉस आती है ना चाइनीज खाने के साथ, इसे रोटी सब्जी के साथ खाया? तो मुझे तो बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है तो मुझे कमेंट में बताना। अब इन्हें प्लेट में करता हूँ मैं, तो अब देखो मैं स्प्रिंग रोल इसमें प्लेट में डाल देता हूँ। तो ऐसे स्प्रिंग रोल आते हैं ये, और जब हम लेते हैं तो क्या करते हो, इन्हें ऐसे देते हैं और साइड में डाल देते हैं शेजवान चटनी, चिली सॉस, चिली सॉस हमने यहाँ पर डाल ली। अब इसको मैं एक बार टेस्ट कर लेता हूँ, ये रहा एक पीस, और अंदर देख लो इसके जो फिलिंग होती है ना, वो यहाँ पे पूरा फट गया तो आपको फिलिंग अच्छे से दिख जाएगी। ये क्या क्या, ये गोभी होती है, पत्ता गोभी, गाजर शिमला मिर्च दिख रही है थोड़ी बहुत, ये सब डाल रखा है। कई बार इसमें चकुंदर वगैरह भी डाल देते हैं। अब इसका टेस्ट देख लेते हैं, टेस्ट बड़ा सही लगता है वैसे इसका, थोड़ा सा ऐसे डिप करना है उसके बाद। बढ़िया बने भाई। अब देखते हैं इन्हें, इन वालों को मैं खोल देता हूँ एक बार। दो तीन चार पाँच छः सात, सात स्प्रिंग रोल यहाँ पे मिले हमें, और बहुत बढ़िया बंद है। इस वाले को भी खोल लेते हैं, ये 300 रुपये वाला जो है, देखो दो दो चार और तीन सात, और इतने इधर हैं, तो देखो ये टोटल 14 हैं। और एक चीज़ और, इसमें हमें पता क्या मिला, इसमें एक सॉस भी मिला, केचप मिला है, ये रहा। तो चटनी देख लें कि कैसी है, स्वाद का सुनहरा रंग, स्मेल तो बड़ी जबरदस्त है यार, बहुत अच्छी स्मेल है। देखो ये टेस्ट किया, अब इनको फ्राई करता है। यार अपने स्प्रिंग रोल हो गए यहाँ पे तैयार। और ये देखो ये सुमेरू वाले जो है व्हाट्सअप वाले, वो ये हैं, और ये जो महंगे वाले थे गोल्ड वाले, वो ये हैं। अब इन दोनों को देख लेते हैं कि कैसा टेस्ट आएगा। वैसे सही, इनको ऐसे भी खा सकते हैं, पर कट करना जरूरी है ना, क्योंकि जब बाहर से लाते हैं तो हम कटे हुए आते हैं। तो ये रहा, दो दो पीस ही कर लें, आवाज़ सुन रहे हो, बिल्कुल करारे एकदम, ये रहा। और इनकी फीलिंग भी अब हमें पता चल जाएगी कैसी है। ये देखो भाई फिलिंग में अंदर गाजर, शिमला मिर्च और कुछ हरे पत्ते, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, जो कि इसमें नहीं थी। इसमें फिलिंग बहुत कम थी, इसमें कलर ज़्यादा डला हुआ था, इसमें मुझे कलर इतना लग नहीं रहा, तो ये काफ़ी सही लग रहे हैं। बाकी टेस्ट की बात, इन वाले को भी कट कर लेता हूँ। ओहो एक फट गया, तो देखो क्या हाल हुआ इसका। एक में क्या था, थोड़ा सा जब हम तल रहे थे ना तो हल्का सा फट रहा था, वो पूरा का पूरा अंदर तेल चला गया। इसको छोड़ देते हैं, दूसरा लेते हैं। आवाज देख रहे हो, करारे पूरे हो गए यार ये।
मेरा, और इसकी जो फिलिंग है इसकी भी फिलिंग एक नंबर है मेरा। फिलिंग में इसमें तो भाई क्या भुजिया और डाल रखी है, चाउमीन डाल रखी है, क्या डाल रखा है। इसकी फिलिंग काफ़ी अलग लगी मुझे, ऐसे स्प्रिंग रोल मैंने खाई नहीं है। वैसे लंबी लंबी देख के मुझे याद आ गया कि जो दिल्ली में है ना, दिल्ली में यार स्प्रिंग रोल पता नहीं कैसे बनाते हैं, सारे स्प्रिंग रोल में चाउमीन भरते हैं, और मैं गाजियाबाद से यहाँ पे पत्ता गोभी भरते हैं। तो मुझे पर्सनली वेजिटेबल्स वाले स्प्रिंग रोल ज़्यादा अच्छे लगते हैं, चाउमीन वाले बेकार लगते हैं। तो अब आती है बारी इनको टेस्ट करने की। तो अब आप ध्यान रखना कि ये वाले जो है ना, ये 300 रुपये वाले हैं, ये 120 रुपये वाले हैं, और ये 50 रुपये वाले हैं। अब आती है बारी इनको टेस्ट करने की। तो अब देख लेते हैं भाई इनका टेस्ट। ये रहा, पहले मैं ये वाला ले रहा हूँ। अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे हैं यार, मतलब बहुत सही टेस्ट है इसका। ये वाले मैं बताऊँ ना, ये तो हम खाते रहते हैं, पर ये जो इसकी फीलिंग बहुत अच्छी लगी मुझे, बहुत ऐसे क्रिस्प और टेस्टी लगा है। अब आता ही ये महंगे वाला जो है ना, 300 रुपये वाला, इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये खाओगे? थोड़ा सा खा लो। खैर कैमरे में से नहीं खा सकते हम, सॉरी यार, कभी मिलेंगे ना तो खाएंगे साथ में बैठ के। मैं बताऊं आज के मेरे फेवरेट जो है ना स्प्रिंग रोल, वो ये हैं। अब ये वाले क्या होता है, जब हम इन वालों को क्या करते हैं, ये चाइनीज ठेले से जब हम लेके आते हैं ना, तो जब पैक करा लेते हैं, पैक कराने के बाद ये थोड़े से मुलायम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। देखो काफ़ी सॉफ्ट हो गए। अब जब इतने सस्ते दे रहे हो, थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते, तेल वेल इन पर ज़्यादा आ जाता है। तो ये चाइनीज वाले तो देख लिए। अब ये जो है ना, इसमें एक्स्ट्रा ऑयल नहीं बचता क्योंकि हमने खुद तले। अब आप देख रहे हो डिफरेंस, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, ये जो टुकड़े देख रहे हो, ये देखो, आपको यहाँ पे ऑयल बहुत कम दिखाई देगा। अगर मैं इसमें से कोई पीस उठा लूँ तो देखो ऑयल डिफरेंस दिख रहा है आपको, कितना ज़्यादा तेल है। बस ये छोटे हैं, ये वाले काफ़ी बड़े हैं, तो इनमें भी ये थोड़े अच्छे से बन सकते हैं। कई चाइनीज़ ठेले ऐसे होते हैं जहाँ अच्छे मिल जाए, इस टाइम पे हमें पॉसिबल नहीं हुआ। रात को लाते, रात को बहुत सारे चाइनीज़ खुल जाते, उस टाइम पे ज़्यादा अच्छे मिल जाते, बट ये भी ख़राब नहीं होते, काफ़ी अच्छे होते हैं। पर ये 120 रुपये मुझे बहुत सही लगा, मतलब 7 पीस मिलते हैं, अच्छा खासा टेस्ट आता है, खुद घर पे तल के एकदम बढ़िया से क्रिस्पी करके, लेस ऑयल में, बहुत कम ऑयल में आप इसको खा सकते हो। बट ये 300 रुपये का, ये मुझे सच में काफ़ी महंगा लगा यार, 300 रुपये के स्प्रिंग रोल। भाई मैं कोई 5 स्टार में नहीं खा रहा हूँ, अपने घर पे खा रहा हूँ, तो मैं इतने खा लूँगा। या इससे भी सस्ता कोई ऑप्शन हो सके ना कि खुद रैप करके तैयार कर ले तो वो अच्छा है, बट अभी नहीं है। तो 120 रुपये वाला ये, तो मुझे जो अच्छा लगा वो ये लगा है। तो मुझे पर्सनली ये वाला काफ़ी अच्छा लगा है, जिसका प्राइस 120 भी नहीं था, 119 था अगर ध्यान से देखा जाए तो। देखो 119 रुपये इसका प्राइस है यहाँ पे। तो आज की वीडियो में हमें ये पता चल गया कि भाई ये वाला जो है ना, ये वाला भी अच्छा है, और ये इतना महंगा लेने की जरूरत नहीं है। जो मीडियम रेंज का ना, ये लाके अपने फ्रिज में रख सकते हो, जैसे फ्रेंच फ्राइज होते हैं, फ्रेंच फ्राइज का पैकेट लाके घर पे रख लेते हैं। यार फ्रेंच फ्राइज का करें, फ्रेंच फ्राइज मैकडॉनल्ड की बहुत ज़्यादा फेमस है, मैकडॉनल्ड, बर्गर किंग वगैरह, और फिर वो आते हैं मकीन वाले जो घर पे हम फ्रिज में रख लेते हैं, उनका कंपैरिजन करें। मुझे कमेंट में बताओ यार उनका कंपैरिजन करो, और घर पे फ्रेंच फ्राइज बना के देखता हूं। एक बार वो करते हैं कि जो घर पे बनाए, मकेन वाले और मैगडी वाले, इन तीनों को कंपेयर करते हैं, देखते हैं कौन सा फ्रेंच फ्राइज अच्छा है। क्योंकि मैगडी वाले बहुत महंगे देते हैं, आपको पता है इतना सा देते हैं, इतने से आलू देते हैं, एक आलू से बन जाएगा सारा, और वो 100 रुपये का बैठता है, इतना महंगा देते हैं। खैर वाला बाद में करेंगे, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। आप मुझे बताना आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा, और ये मकेन ये जो ना फ्रेंच फ्राइज वाला, इसके लिए कमेंट जरूर करना। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया नहीं करा तो जल्दी कर दो यार, वेट किस चीज़ का करो। हम मिलेंगे दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।